हम जब भी एक लाइफ पार्टनर को चूज़ करने के बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि इस धोखाधड़ी के ज़माने में आखिर कौन एक ऐसा इंसान हो सकता है, आखिर एक इंसान में क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए और ऐसे ही लाइफ पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहिए और ऐसे ही लाइफ पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड करनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं सेशंस में, मुझसे पूछते हैं और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर रिलेशनशिप में रहते हुए हमारे इस तरीके से एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो आखिर हम किस तरीके के इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे, वो कौन सा इंसान होगा जो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आज मैं लाइफ पार्टनर की इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ के बारे में बात करने वाला हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको सुनने और समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ आखिर तक ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो जितना आसान लगता है ना कि सब में होती होगी या मिल जाएगी आसानी से, उतनी ही मुश्किल से मिलती है। कुछ लोग स्टार्टिंग में अपने आप को दिखाते हैं कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन बाद में नहीं मानते। तो ऐसे लोगों के ऊपर से पर्दा कैसे हटाएं? अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। जब आप सोचते हो कि आपको एक इंसान के साथ सारी ज़िंदगी रहना है, पूरी ज़िंदगी बितानी है, अगले 40-50 साल बिताने, तो आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का रोल आता है ना, वहाँ पे सारी चीज़ें हट जाती हैं। कहीं पे कोई भी सिचुएशन हुई जहाँ पे आप लोगों के बीच में नोकझोंक हुई, तो सामने वाले का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपको समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपको हर्ट ना करे और उस समझ से आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को ठीक करे। तो अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान में होनी बहुत ज़रूरी है। लोग सिचुएशन ऐसी आती हैं कई बार कि नहीं समझते, वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, सपोर्टिवनेस। यार सपोर्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर लाइफ में ना मिले ना अपने पार्टनर का, तो कई बार इंसान ना अपने मकसद तक पहुँच नहीं पाता। एक इंसान का आपका आपके ऊपर सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, तब भी आपको कभी ना कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ ही जाएगी जब आपको सपोर्ट की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार देखता हूँ मेरे सेशंस में लोग कहते हैं कि यार हमें हमारे पार्टनर का इमोशनल सपोर्ट नहीं है, वो हमें समझता नहीं है, वो हमें सपोर्ट नहीं करता, वो हमारे इमोशंस को नहीं समझता, वो हमें सुनता नहीं है। फिज़िकल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार एक इंसान ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है कि उसको फिज़िकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, हर तरीके के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। और ऐसे में अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करता तो आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है। तो सपोर्टिव पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर एक इंसान के अंदर सपोर्टिवनेस होती है अपने पार्टनर को लेकर, तो हमें ना बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस होती है, हम ना घुटन महसूस नहीं करते, हमें कहीं बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारी सारी खुशियाँ हमें हमारे घर में हमारे पार्टनर के साथ मिलती हैं। इसीलिए ऐसे इंसान को चूज़ करो जो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ सपोर्टिव भी है। और सपोर्टिवनेस एक इंसान की दिख जाती है इनिशियल टाइमिंग्स में भी। आप उसे आजमा के उसकी सपोर्टिवनेस को जज कर सकते हो, देख सकते हो कि सामने वाला सपोर्टिव है या नहीं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एक्सप्रेसिवनेस। एक इंसान अगर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा है तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत की बात है। एक्सप्रेसिवनेस बहुत ज़रूरी है। इजहार करना अपने प्यार का, अपने एफर्ट्स को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो इंसान आपको चिट्ठियाँ नहीं लिख रहा है, पोएट्रीज नहीं लिख रहा है, कविताएँ नहीं लिख रहा है, शायरियाँ नहीं लिख रहा है आपके लिए, तो वो आपसे प्यार नहीं करता। लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसका आपके लिए एक्सप्रेसिव होना, अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको समझना कि वो आखिर क्या, उसको क्या महसूस होता है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहा है, वो आपसे चाहता क्या है। अगर एक इंसान अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को, अपने एफर्ट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं उसकी रियल फीलिंग्स क्या हैं वो कभी पता ही नहीं चलेंगी। और अगर एक इंसान को ये नहीं पता कि अब उसका पार्टनर फील क्या करता है उसके लिए, तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है।
इसीलिए कहते हैं इजहार करना बहुत ज़रूरी है, चाहे बोल के करो चाहे कुछ करके करो, छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, लिटिल एफर्ट्स काउंट कहते हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स काउंट होते हैं, इसीलिए एक्सप्रेसिवनेस से मेरा एफर्ट से ही मतलब है। तो एक्सप्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक रिश्ते में, एक पार्टनर में, अगर वो इंसान एक्सप्रेसिव है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। चौथे पॉइंट की बात करेंगे, ट्रस्ट। कभी कभी होता है ना कि एक इंसान हमेशा शक की निगाह से ही आपको देखता है, अगर एक इंसान आपको शक की निगाह से देख रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, एक इंसान का ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्टवर्दी एज इन सिर्फ आपका ट्रस्टवर्दी होना नहीं, सामने वाले को भी आप पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर वो आप पर ट्रस्ट नहीं करता या किसी भी तरीके से वो इंसान आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है या कोई भी बात है, अगर आपने कोई गलती नहीं करी है उसके बावजूद भी सामने वाला आपको हमेशा शक की निगाह से देखता है, आपको चीज़ें करने से रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, आप पर भरोसा नहीं करता, आप पर इल्ज़ाम लगाता है बेबुनियाद, तो वो भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ऐसा इंसान जो आप पर ट्रस्ट नहीं करता, ये ऐसे इंसान के साथ चलना, ऐसा इंसान जो आप पर ट्रस्ट नहीं करता, ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी की राह पर चलना, ये बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। इसीलिए ट्रस्ट करना उस इंसान का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट, रिस्पेक्ट। कभी कभी क्या होता है ना कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते और कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख जाती हैं, हम उनके एक्शंस में, उनकी बातों में, उनके सोचने में, हमें लेकर वो क्या सोचते हैं, इन चीज़ों में दिख जाता है कि सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करता है या नहीं। तो ऐसा इंसान ज़रूर चुनो जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे, और रिस्पेक्ट दोस्ती में भी होती है, रिस्पेक्ट प्यार में भी होती है, रिस्पेक्ट हर रिश्ते में होती है। तो जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे सिर्फ उसी का हाथ थामो, ना कि वो इंसान जो आपकी रिस्पेक्ट ना करे। रिस्पेक्टिव पार्टनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिर में आते हैं लव पे। प्यार बहुत प्यारी चीज़ है, और जब आपको आपके लाइफ पार्टनर में वो चीज़ नहीं मिलती तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा घुटन भरी हो जाती है। तो आपके पार्टनर में ये क्वालिटी होनी चाहिए दैट ही इज़ फ्री टू लव यू। अगर वो इंसान आपको प्यार करने की आज़ादी में है, वो इंसान आज़ाद है आपको प्यार करने के लिए, वो किसी पुरानी किसी चीज़ में बंधा हुआ नहीं है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है। लोग कहते हैं प्यार से ही सब कुछ होता है, प्यार से ही जिंदगियां चलती हैं। मैं कहता हूँ प्यार सब कुछ नहीं होता, लेकिन प्यार थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा प्यार होता है तो इंसान आपकी रिस्पेक्ट भी करता है, अंडरस्टैंड भी करता है, लव भी करता है, रिस्पेक्ट भी करता है, केयर भी करता है, ट्रस्ट भी करता है। तो प्यार करना उस इंसान का, और प्यार के साथ साथ उस प्यार का इजहार करना, उसे जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वालिटीज़ मैं कहूँगा ऐसे इंसान में अगर हैं एक इंसान में, तो आपके लिए जैकपॉट है। तो ऐसा इंसान ज़रूर चुनो जिनमें ये क्वालिटीज़ हों। अगर किसी इंसान में इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, चैलेंजिंग हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ेगा आपको। सो, ये थी आज की वीडियो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट है, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर anubhavagarwal.com, वहाँ पर जाके आप लेस टॉक सेशन का एक सेक्शन है, वहाँ जाकर आप कोई भी सेशन बुक कर सकते हैं, इंडिविजुअल, कपल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप बुक कर सकते हैं, और मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांग सकते हैं और अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Bye-bye.